सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल टेक राज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ गूगल एड्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपना नया चैनल बनाया हुआ है और अगर वो अपना किसी वीडियो का एड लगाते हैं गूगल एड पर तो दोस्तों उनकी वीडियो का जो वॉच टाइम होता है वो काउंट नहीं होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप गूगल एड की मदद से अपने वीडियो पर सब्सक्राइब ला सकते हो और उसका जो वॉच टाइम होता है उसे भी आप बढ़ा सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि गूगल एड से जो वॉच टाइम होता है वो काउंट नहीं किया जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपका वॉच टाइम भी गूगल एड की मदद से बढ़ सकता है। या दोस्तों अगर आप गूगल एड पर अपनी वीडियो लगाते हो तो उससे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और आपका जो वॉच टाइम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको इस वीडियो में पूरा तरीका बताऊँगा जिससे आप जब कभी भी कोई भी ऐड लगाओ तो आपका जो वॉच टाइम है वो भी काउंट हो, आपका वॉच टाइम आपके ऐड की मदद से काउंट हो जाए। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे हमारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको पूरा तरीका डिटेल में समझाता हूँ। दोस्तों आपने देखा होगा कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए गूगल एड्स का सहारा लेते हैं, लेकिन दोस्तों गूगल एड्स की मदद से सब्सक्राइब बढ़ जाते हैं और जो व्यूज होते हैं वो भी काउंट हो जाते हैं, लेकिन जो वॉच टाइम होता है वो बिल्कुल भी काउंट नहीं होता। तो दोस्तों वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं इसके लिए मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आप किसी वीडियो का ऐड लगाओ तो आपको उस वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपने दो तीन वीडियो के लिंक डाल देने हैं जो वीडियो आपकी उसी वीडियो से रिलेटेड हों, या फिर दोस्तों आपको उस वीडियो के आई कार्ड में अपनी दो दो या तीन तीन मिनट छोड़ के दो तीन वीडियो के लिंक डाल देने हैं जिससे दोस्तों क्या होगा कि जिस वीडियो को आपने ऐड पर लगाया हुआ है उस वीडियो का वॉच टाइम भले ही काउंट नहीं होगा लेकिन जो आपने डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड में वीडियो लगाई होंगी जब लोग उन्हें देखेंगे तो उनका वॉच टाइम 100% तक काउंट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने किसी भी ऐड वाली वीडियो से वॉच टाइम बढ़ा सकते हो। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी वीडियो का ऐड लगाते हैं तो उसका जो वॉच टाइम होता है वो काउंट नहीं किया जाता, लेकिन आप उस वीडियो में जितनी वीडियो के ऐड लगा दोगे, जितने भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दोगे या फिर आई कार्ड में लगा दोगे, तो अगर 100 में से अगर कुछ लोगों ने भी उन वीडियो को देखा तो उन वीडियो का जो दोस्तों वॉच टाइम है वो काउंट होगा, और अगर लोगों को वो वीडियो पसंद आई तो दोस्तों आपके चैनल पर वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी गूगल ऐड वाली वीडियो से वॉच टाइम बढ़ा सकते हो। क्योंकि दोस्तों हमारी जो ऐड वाली वीडियो होती है उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होता, लेकिन अगर आप उसमें और वीडियो डाल दोगे और वीडियो आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में डाल दोगे तो उसका वॉच टाइम 100% तक काउंट किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप गूगल एड में अपना वॉच टाइम बढ़ा सकते हो और दोस्तों अपना चैनल मोनेटाइज करा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।